नमस्कार। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। वह चौपाई तुलसीदास जी ने किस प्रसंग में लिखी है, जब माता सीता अनुसुईया जी से मिलती और माता अनुसुईया उनको अपने अमूल्य आभूषण और ऐसे वस्त्र देती हैं जो कभी मलिन नहीं होते, यानी जो कभी गंदे नहीं होते, ऐसी जो है। तो उन्होंने स्वयं सीता जी के लिए कहा है कि धीरज धर्म मित्र नारी, मतलब धीरज धर्म मित्र और स्त्री की परख आपत्काल में ही मनुष्य को करना चाहिए, मतलब परखना चाहिए। अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोर सुशील बिन्दिता, मतलब जब सीता जी उनसे मिलती हैं, ऋषि पत्नी मनुष्यों का अधिकारी आशीष देवी निकट बैठाई, उनके मन में बहुत अधिक प्रसन्नता होती है और उनको वो निकट बैठाती है। जब वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए, मतलब ऐसे आभूषण और वस्त्र होती हैं जो कभी मलिन नहीं होते। मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी, यानी सभी लोग मात पिता भाई बंधु सब लोग होते हैं, लेकिन पति से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये माता अनुसुईया उनको सीख देती हैं और ये जो पहले चौपाई बताई है इसका भी इसी समय पे ये बखान आया है, इन चार लोगों को आपत्काल में परखना चाहिए, ऐसा माता अनुसुईया माता सीता से कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।